मैं हरिंदर बैनीवाल इनसो जीजेयू चेयरमैन हिसार। मैं संधू प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया डास्पी जीजेयू। मैं गौरव कादम एबीवीपी अध्यक्ष गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। मेरा नाम गुरमेल ढाबी है, मैं स्टूडेंट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म छात्र संगठन है उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमने जो नए बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं एडमिशन के लिए, उनकी हेल्प के लिए हेल्प डेस्क लगाया हुआ है एबीवीपी के नाम से, और यहाँ पर छात्रों को जो भी किसी प्रकार की समस्या उनको आ रही है उनके लिए हम यहाँ हेल्प डेस्क लगा के बैठे और उन सभी परेशानियों को हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। समय समय पर एबीवीपी कैंपस में सारे कार्य करती रहती है। शिक्षकों से रिलेटेड अगर कोई समस्या स्टूडेंटों को आती है या फिर अन्य किसी भी प्रकार की हॉस्टल की समस्या हो, अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन सभी के निवारण के लिए हम बैठे हुए हैं। और हमने हेल्पलाइन नंबर है वो भी दिया हुआ है एबीवीपी का, तो किसी भी छात्र को अगर परेशानी आ रही है तो वो फ़ोन पर भी हमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9050129617। किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी का निवारण हम करेंगे और जहाँ तक प्रयास रहेगा किसी भी छात्र को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सभी छात्रों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एबीवीपी के साथ जुड़ें और हमें मजबूत करें, एबीवीपी आपके साथ खड़ी रहेगी, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने दी जाएगी। आज से हमने जो है यूजी और पीजी के दाखिलों को देखते हुए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए एक हेल्प डेस्क लगाया गया है, जिसमें छात्रों को किसी भी प्रकार की जब सहायता होती है कि कोई भी इंक्वायरी होती है तो हम यहाँ बताने के लिए तैयार रहते हैं और हम छात्रों की सेवा के लिए यहाँ पे दिन रात जो है कार्यरत हैं। और मेरी सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, जो नए छात्र आ रहे हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी में एग्जिस्टिंग जो छात्र हैं उनके लिए हमने जो है पहले से बहुत सारे कार्य किए हैं। जब भी कोई समस्या आती है छात्रों को हम जो है उनके साथ खड़े रहते हैं, और हमारी छात्रों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स छात्र संगठन से जुड़ें। तो ये स्टूडेंट्स जो नए छात्र छात्राएँ जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आते हैं उनको कोई भी सहायता के लिए सहायता केंद्र खोला गया है हमारे पास। जैसे कई बार डिपार्टमेंट नहीं पता होता, एड्रेस नहीं पता होता, किसी बच्चों को हेल्प एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता होती है, हम उनकी सहायता करते हैं। डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड या कोई और रिजल्ट का कोई भी किसी भी प्रकार की जीजेयू कैंपस में कोई भी हो, काउंसलिंग का या किसी भी मतलब पता नहीं होता, ऑनलाइन रिजल्ट जो आता है उसके बारे में पूछना हो, तो सभी चीज़ें हम उनकी हर प्रकार से मदद के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, हम डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। अभी दाखिला प्रक्रिया गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर शुरू हो चुकी है, तो इस एडमिशन प्रोसेस को देखते हुए अभी छात्रों को एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। जैसे किसी को ब्लॉक का नहीं पता है और किसी का रोल नंबर वगैरह में किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है, कोई करेक्शन वगैरह की, तो इससे रिलेटेड मतलब जितनी भी क्वेरी होती है हम उनके जो हम सीनियर स्टूडेंट हैं हम इस फेज से गुजर चुके हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता होता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया खासकर जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र होते हैं, SC ABC OBC के जो छात्र होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनका कोई जीरो फीस लागू है हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उनको समस्याएं आती है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट में कोई समस्या है या फिर फैमिली आईडी की कोई दिक्कत चल रही है, तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए हम यहाँ बैठे हैं और उनकी जितनी हमारे से बन पाती है हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, और इसीलिए हमने हेल्प डेस्क शुरू किया है ताकि छात्रों को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन ले सकें। और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला लें और डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया उनकी सहायता के लिए हर कदम से आगे तैयार रहेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उन छात्रों को दाखिला प्रक्रिया के समय जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जिन बच्चों की इनकम 2.5 लाख से कम है, उन बच्चों को
₹1950 में एडमिशन दिया जाएगा। और इस तरह के किसी भी केस में अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से संबंधित कोई समस्या आती है तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के हेल्प डेस्क से हेल्प डेस्क पर आकर वो अपनी समस्या रखे और हम उनके समाधान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे कि उनकी समस्या का समाधान हो। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इन हेल्प डेस्क के ऊपर दिया हुआ है। और बाकी अगर किसी तरह का अगर कोई पर्सनल इंक्वायरी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9255762126। अगर किसी भी बच्चे को कोई इसी तरह की समस्या आती है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। इनसो समय समय पर छात्रों की आवाज़ उठाती रहती है। और अब जैसे कि विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इनसो ने हेल्प डेस्क लगाया हुआ है छात्रों की सहायता के लिए। कोई भी समस्या आती है तो एंट्रेंस के सीटिंग प्लान हो गया और आगे एडमिशन में फीस के रिगार्डिंग काउंसलिंग की, तो इनसो हर तरह से हेल्प करती है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसो से जुड़े और इनसो हमेशा आपके साथ है, पूरा सहयोग करेगी। आगे हॉस्टल के रिगार्डिंग या कोई भी आपको समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नितेश जांगू, इनसो प्रेजिडेंट जी के साथ।